संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। स्मोक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। संसद कांड के बाद राजस्थान भागे ललित झा की निशानदेही पर पुलिस ने जलाए मोबाइल फोन के अवशेष बरामद कर लिए हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध वाली साजिश का राज अब खुल सकता है। पुलिस को सभी आरोपियों के मोबाइल फोन मिल गए हैं, मगर ये सभी मोबाइल जली हुई हालत में मिले हैं। न्यूज एजेंसी एनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन के पार्ट्स राजस्थान से मिले हैं। इन मोबाइल को साजिश का कथित मास्टरमाइंड ललित मोहन झा अपने साथ ले गया था। पुलिस सूत्रों ने पहले कहा था कि झा ने दिल्ली आने से पहले पांचों मोबाइल नष्ट कर दिए थे। वो लगातार जांच टीम को गुमराह करता रहा। अब पुलिस ने सेलुलर कंपनी से ललित और बाकी आरोपियों के मोबाइल लोकेशंस का डाटा मांगा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें जांच के लिए FSL भेजा जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि शायद उनसे कुछ जानकारी निकल सके। पुलिस पूछताछ में भी आरोपियों की ओर से नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ में पता चला है कि संसद के बाहर उनका प्लान खुद को आग लगाने का भी था, मगर एक ज्वलनशील जेल न मिल पाने के चलते इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। दरअसल आरोपियों ने ऑनलाइन वो जेल मंगवाने का प्रयास किया था, जिसे लगाकर आग लगने पर भी खुद को जलने से बचाया जा सकता है, मगर ऑनलाइन पेमेंट होने के चलते उसका ऑर्डर नहीं हो पाया था, जिससे उन्हें प्लान में बदलाव करना पड़ा था। संसद की रैकी करने के दौरान उन्होंने पाया था कि वहां जूतों की जांच नहीं की जाती है, इसीलिए उन्होंने जूतों के अंदर खास जगह बनाकर उसमें स्मोक शॉट ले जाने का प्लान बनाया था। पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR में 4 शॉट का जिक्र है, जिनमें से 3 का इस्तेमाल हुआ था, जबकि 1 इस्तेमाल नहीं हो पाया था। इसके अलावा पुलिस को ये भी पता चला है कि पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए, इसलिए वो सेफ चैट्स कर रहे थे, सिग्नल ऐप पर बातें करते थे। वो और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उनका माइंड वॉश भी करते थे, जिससे वो कई लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल भी हुए थे। वही संसद कांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे दरभंगा के रहने वाले ललित झा के गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि ललित ऐसा कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया तो क्या वजह रही, कैसे मिलने का और घर परिवार का नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांत मुद्रा में धियापुता के साथ खेलता था, रहता था। तो कलकत्ता से जो आता था, हाँ हाँ, तो आप लोगों को कुछ कहता भी था? कुछ नहीं, हम विदेश भी जाते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों के सामने तो बोलता भी नहीं था, इतना अच्छी नॉर्मल रहता था, सीनियर जूनियर का ख्याल रखता था वो, इतना नॉर्मल रहता था। ये बताइए कि इस तरह का जो हमला में उसका नाम आया है, तो अगर इस तरह का अगर काम आपके गांव के लड़का के द्वारा किया गया है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? वो तो गलत है, अगर काम किया है ऐसा तो गलत किया है। आप लोग इसकी निंदा करते हैं? नहीं। क्या कह रहे हैं इस पर? नहीं नहीं, वो गलत किया है तो और क्या कहेंगे। आपको उम्मीद था? ना, कभी नहीं उम्मीद था, हम लोग तो सुने तो अचंभा रह गए। ललित झा की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ का कहना है कि उनके बेटे ने गलत किया, अगर उन्हें पता होता तो वो उसे रोक लेती। बेटा आतंकवादी है और इस तरह का घटना किया है, ये झूठ है, ये बात झूठ है, ये आतंकवादी हमारा बेटा नहीं है। जो बोलेंगे बोलेंगे से गलत बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे, इसको हम नहीं देंगे। तो आपका बेटा जो है जिस तरह का काम किया है, क्या आपको अफसोस नहीं है, तकलीफ नहीं है मन में? तकलीफ बहुत है, हम उसको की कल प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री भैया पर देव को, ये हमारा बेटा ये करेंगे से बहुत गलती करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा समझ में आते तो हम नहीं जा देते हैं, हम क्या करेंगे। अब बोलिए, ये बताइए कि बेटा जब गया वहाँ पे इस घटना को करने के लिए, तो आप लोग के साथ था, आप लोग को दरभंगा भेज दिया और अपने दिल्ली चला गया। हमारा टिकट है, ये 56 पर मैं टिकट नहीं बना चुका, ये बनाया तब हम बोलेंगे चलिए हमारा साथ, अब नहीं जाएंगे, वहाँ पर राशन भर देंगे आ बोलेंगे जो हम घूमने के जाएंगे दिल्ली, यही हमारा समझ में है और कुछ समझ में नहीं है, हमारा बेटा चाहिए। घटना करने से पहले आप लोग को इसने बताया था कि हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली आप जाते हैं दोस्त लगने की, कहाँ जाते हैं सबको कुछ पता नहीं, घूमने के जाते हैं इतना बोलेंगे, कुछ पता नहीं है। अच्छा, भगत सिंह करके जिहादी कोई संगठन वगैरह इस सब से जुड़ा हुआ था क्या ये?
सुहो पता नहीं है। भगत सिंह के फोटो है, उसको पूजा करते हैं, मधु चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, तय हम जानते हैं और हमारा किसी को पता नहीं है। तो भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है? हाँ, ये सेवा करते हैं, ये मेरा गुरु है, शिक्षा देते हैं। मतलब भगत सिंह को अपना गुरु मानता था? हाँ, गुरु मानता था और कोई बात नहीं है, ये शरीफ लड़का है। आप जो किस्मत हमारा खराब हो गया भैया, हम क्या करेंगे? अच्छा, किस्मत खराब, उससे मिलने के लिए भी लोग सब आते थे? इस लोग सब कोई नहीं, हमारा बारी आएंगे कोई नहीं, एगो हम आएंगे, हमारा मालिक का मकान भी नहीं, हमारा घर आएंगे जो उसको पैसा लेंगे घर जाएंगे। अच्छा, इसने कोई संगठन बना के रखा हुआ था? नहीं, किसी को नहीं रखेगा। बाहर में क्या करेंगे नहीं करें तो हम बोलेंगे, हम नहीं जानते हैं बाहर में ये बच्चा क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो घर के मालिक है, करना धरना के लिए, खाना पकाना के लिए। गलत काम किया? गलत काम तो किया, हम तो बोलेंगे गलत काम, जब ही वहाँ चला जाएगा तो गलती हुआ तब ना उसको सजा मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? गुलाब चंद के सोना हमारा हाथ से चला गया, धरना हाथ टूट गया, हम तो कुहरते हैं। आप ननद आए से खाना बना दिए, गोतनी आए से खाना बना दिए, कुछ नहीं बना, हमारा माथा फेंक नहीं आया। कितने बेटे हैं आपको? 3 बेटे हैं, आप हमारा दे दीजिए। ये बताइए, ललित का शादी हो गया था? नहीं, शादी नहीं हुआ। कितना उम्र है उसका? 28। ललित के पिता के मुताबिक ललित को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, वो भगत सिंह को अपना गुरु मानता है, वो देश विरोधी नहीं हो सकता। आपके बेटे को कह रहे कि आतंकी साजिश में था, संसद पे उसने जो कांड किया है, तो क्या किसी संगठन से वो जुड़ा हुआ था? कभी नहीं जुड़ा हुआ था, हतमूज लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, ट्यूशन पढ़ाता है, हम लोग को पैसा नहीं देता, हम लोग को होटल में खाता है, अपना खाना पीना खाता है, अपना इधर उधर उड़ाया पुराया, 2-5 लड़के लोग के बीच में बैठा, कभी वहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, कोई साजिश नहीं, किसी से नहीं मिलता था, कोई मुसलमान दोस्त नहीं है इसका। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली वो चला गया दिल्ली और आप लोग को भेज दिया दरभंगा? भेज क्यों दिया, 3 पहले से टिकट हमारा था, वही ललित 3 पहले टिकट कन्फर्म होने के लिए कटा करके दिया था, जो 10 का टिकट था हम लोग को चढ़ा दिया, लेकिन वो 2-5 पहले से बोलता था कि हम भी दिल्ली जाएगा। वो आप लोग के साथ नहीं आया, खुद दिल्ली चला गया? हाँ। दिल्ली क्यों जा रहा है उसने बताया? ये नहीं पता, दो यही पूछते थे तो दोस्त महीन से मिलने जा रहे हैं, कोई काम काज का ब्यौरा लेने जा रहे हैं, कोई काम काज खोलने जा रहे हैं। संसद कांड में ललित समेत 6 आरोपी 7 की पुलिस रिमांड में हैं, जिनसे पुलिस सभी एंगल से पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस जल्द ही घटना से जुड़े सभी खुलासे कर देगी। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।